नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी सोमवार दोपहर 3 बजे राजस्थान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की खास खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर्स को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के CJI ने फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यूजर की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। फेसबुक और व्हाट्सएप से नई सिक्योरिटी पॉलिसी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के तहत फेसबुक और व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर सफाई देनी है कि यूजर्स का किस तरह का डाटा शेयर किया जाता है और किस तरह का डाटा शेयर नहीं किया जा रहा। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद होगी। सिरोही जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के आवल गांव में एक पति द्वारा पत्नी की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि महिला के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं महिला के पीहर पक्ष को भी सूचना दे दी गई है। मृतका की पहचान काली गरासिया के रूप में हुई है। वहीं पुलिस हत्या के कारणों की जाँच कर रही है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज सोमवार को शेयर बाजार की बम्पर ओपनिंग हुई। शुरुआती कारोबार में BSE का सेसेक्स 52,000 के लेवल को पार कर गया। अभी सेसेक्स 492.58 अंकों की तेजी के साथ 52,036.88 और निफ्टी 127.65 अंकों की छलांग लगाकर 15,290.95 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज बैंकिंग शेयरों में तेजी नजर आ रही है। आज सबसे ज्यादा इंसेंड बैंक में 3% की बढ़त नजर आ रही है। कोटक बैंक, ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र में मामूली सी बात की कहा सुनी को लेकर एक व्यक्ति ने अपनी ही छोटी बहन पर कुल्हाड़ी से कई वार कर उसकी हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बडोपल गांव में मंगा सिंह की पुत्री 25 वर्षीय इंदिरा देवी और इसके भाई गगनदीप सिंह के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना बड़ा कि आक्रोशित हुए गगनदीप सिंह ने इंदिरा देवी पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपित गगनदीप सहित कुल्हाड़ी लेकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बीकानेर जिले के पांचू थाना क्षेत्र के एक गांव शोभना में झोंपड़े में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के 4-5 और झोंपड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक वृद्ध महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई तथा घरेलू सामान भी जल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि रेशम सिंह नामक व्यक्ति के मकान के झोंपड़े में आग लग गई। इस आग से रेशम सिंह की माता के जिंदा जलने से मौत हो गई। उसके शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के जुरहरा रोड पर गांव गुरीरा के पास हथियारबंद बदमाशों ने दिन दिहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने एक पिकअप चालक से हथियार के बल पर 1,70,000 रुपए की लूट कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि 2 बाइकों पर सवार 4 हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अलवर के मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ मार्ग स्थित श्याम गंगा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मालाखेड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर लहूलुहान हालत में मिले 38 वर्षीय त्रिलोक कुमार व उसकी पत्नी विजेता को CHC भिजवाया जहाँ चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। त्रिलोक लक्ष्मणगढ़ में कपड़े की दुकान चलाता था। मृतक दंपति की कोई संतान नहीं थी। त्रिलोक की बहन मालाखेड़ा में रहती है। त्रिलोक व उसकी पत्नी विजेता बहन के घर मिलने गए थे। श्रीगंगानगर जिले के हिंदुमलकोट थाना क्षेत्र में एक जीप पेड़ से टकराकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि जीप चालक फरार हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि जीप गेहूं की फसल में जाकर पलट गई। इस हादसे में ऋषपाल सिंह निवासी फतूही की मौत हो गई। जीप चालक संदीप कुमार जाट बताया जा रहा है, वह फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा देने आया एक मुन्ना भाई जयपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बिहार निवासी आरोपी रामनारायण फर्जी परीक्षार्थी बनकर परीक्षा देने पहुंचा था। वहीं आरोपी पवन कुमार मीना नाम के परीक्षार्थी की जगह एग्जाम देने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही सेंटर में प्रवेश करने पर उससे पूछताछ के दौरान पुलिस ने शातिर को धर दबोचा। बजाज नगर थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी रामनारायण ने 2 लाख रुपये में सौदा तय किया था। वहीं आरोपी CISF के MA की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है लेकिन RAS की परीक्षा में फेल हो गया था।
सीकर के डाबला वे जिलों में बोलेरो कार में सवार होकर आए चार बदमाशों ने फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर हार्डवेयर व टाइल्स कारोबारियों से 16,500 रुपए की ठगी कर ली। वाणिज्य कर विभाग की प्लेट लगाकर पहुंचे फर्जी जीएसटी अधिकारियों ने दुकानों पर जांच के बाद कमियां पकड़ी। जांच के बहाने केस बनाने की धमकियां दी, बाद में मामला रफा दफा करने का लालच देकर वसूली शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने कालूराम प्रकाश चंद्र दिनेश व भवानी सिंह की दुकानों पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। श्री गंगानगर जिले के सादुलशहर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि पतली गांव में 25 वर्षीय छिंदा सिंह नामक युवक ने घर में फांसी लगा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता जगतार सिंह ने दर्ज करवाई मर्ग में बताया कि छिंदा सिंह काफी समय से मानसिक रूप से परेशान रहता था, इसी परेशानी के चलते उसने फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।